नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर जगमगाती हुई लहरों के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और आज भी एक बहुत बढ़िया सा और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। शायद आप वो करते भी हो अपने गार्डन में, और बिल्कुल जो नहीं करते हों तो उनके लिए तो बहुत अच्छा ही होगा। तो बस गुड लिविंग वाले इस दृश्य के साथ अब चलते हैं हम अपने गार्डन में और देखते हैं गार्डन में क्या क्या हो रहा है, और वो टॉपिक तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। खैर तो दोस्तों, चलो चलते हैं गुड लिविंग वाले गार्डन में। तो आ गए दोस्तों अपने गार्डन में। बिल्कुल सूर्य भगवान को प्रणाम करने के बाद, और ये है अपना गार्डन। तो इसमें मैं अपना जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं करती रहती हूँ, है ना। ऐसा ही आप भी करती होंगे, जैसा भी आपका गार्डन होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, या बालकनी में भी पोट्स रखे होंगे, उनके साथ भी आप छेड़खानी करते रहते होंगे, है ना। वो तो स्पेस के हिसाब से है ही। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मतलब आइडिया दूंगी कि जिससे कि आपकी वेस्ट मैनेजमेंट भी होगी, दूसरा उस चीज़ का रीयूज भी हो जाएगा, और दूसरा जब भी घर में कोई चीज़ टूटेगी ना, आपको दुख नहीं होगा कि मुझे कबाड़ी को देनी है। तो बिल्कुल, ये टमाटर तो खैर मैं आपको दिखाई रही हूँ, और दोस्तों मैं आपको आज रीयूज करना बताऊंगी। जो हमारी पुरानी टब हो जाती हैं, और कई बार यूज करते करते वो नीचे से क्रैक भी हो जाती हैं, कहीं से भी क्रैक हो जाती हैं, तो बिल्कुल आप उनका इतनी लंबी चौड़ी टबों का यूज अपने गार्डनिंग में कर सकते हो और अपनी मनपसंद सब्जियां भी उगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि इनमें मॉइस्चर भी काफ़ी दिन तक बना रहता है प्लास्टिक के आइटम में, और दूसरा ये खुली इतनी होती है कि बिल्कुल भी एरिएशन की भी दिक्कत नहीं होती कि रूट्स हमारी एकदम बंद हो जाएंगे या अच्छे से फैलेंगे नहीं। तो ये देखिए, ये मेरी एक पुरानी टब थी कपड़े धोने वाली, और नीचे से क्रैक हो गई थी ये, तो ड्रेनेज का भी सिस्टम का मुझे कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि वो नीचे से क्रैक ही हो गई थी। तो अगर आपने इस तरह से टब लेनी है तो उसमें सब्जियाँ उगानी है तो मर्जी आपकी, नई में उगाओ या इस तरह से टूट जाए तो। और अगर दोस्तों आप बिल्कुल उसको रीयूज करना चाहते हो, और कई बार पुरानी हो जाती है, हमारा मन भी नहीं करता उसको घर में यूज करने का, तो इस तरह से सब्जियां उगा सकते हो आप। इसको पेंट भी कर सकते हो अपने मनपसंद कलर से, और बिल्कुल नीचे ड्रेनेज होल बना लेने आपने किसी गर्म चीज से, जैसे प्लास्टिक है तो। और बिल्कुल, मैं काफी टाइम से दोस्तों इस टब को यूज करती आ रही हूँ, और मैंने सॉरी सर्दियां इसमें सब्जियां भी उगाई। मैंने इसमें मेथी उगा रखी थी, सोया का साग उगा रखा था, और अब वो मैच्योर हो गया था जैसे मौसम आने, गर्मी का मौसम आ गया, तो फिर मैंने वो निकाल दिया। और टमाटर दोस्तों मैंने नहीं लगाया था इसमें, मैं ऐसे नहीं कहूँगी, और अपने आप से टमाटर का प्लांट निकला हुआ था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया उसमें ही। मैंने कहा इसका तो मौसम है ही है, और ये देखो इस पर कितने सुंदर टमाटर लगने भी शुरू हो गए, है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ों का यूज़ आप अपनी गार्डनिंग में किया करो, इससे आपको अच्छा भी लगेगा, दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट भी होगी, और तीसरा हमारे पास कई बार दोस्तों गार्डनिंग के जो शौकीन लोग हैं ना, सामान की कमी पड़ जाती है, पोट्स वगैरह की बार बार कहाँ से लाएं, या कुछ ना कुछ अरेंज करें, या कई बार हमारे पास बीज होते हैं लगाने के लिए, हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती, हम किस में लगाएं, है ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके घर में बैठे आराम से मतलब आप यूज़ भी कर सकते हो और अपनी मनपसंद सब्जियां भी उगा सकते हो, है ना। जैसे सर्दियों भर में बता ही रही हूँ, मैंने इसमें से खूब सब्जियां निकाली, और मैंने दिखाई भी था सोया के साग वाली रेसिपी बना के, इसमें से मैं निकाल के ले गई थी, और इसमें मेथी भी लगी हुई थी। तो बस इसमें देखो कितना अच्छा टमाटर का प्लांट लगा हुआ है, और नीचे आप ये पूछोगे गमले से मैंने क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि दोस्तों सोयल के टच में ना आने पाए, अगर कोई फ्रूट वाला प्लांट है ना, वैसी बता रही हूँ खैर, तो उसको ना थोड़ी सी ऊंचाई दे दिया करो सोयल से, ताकि फ्रूट जो टच में ना आए सोयल के, कई बार फंगस वगैरह लगने के कारण ना फिर खराब हो जाता है। और ये देखो जो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है ना, टमाटर के प्लांट, टमाटर वाली वो सारी यूज करना, तो आपका एक भी फूल टमाटर बनने से नहीं चुकेगा, एक भी फूल नहीं गिरेगा आपका। तो वो पुरानी वाली वीडियो मेरी देख लेना एक बार, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा भी रखा है। और ये देखो जितने भी फूल है ना, सारे के सारे टमाटर बनेंगे। और दोस्तों कोई ज्यादा पुराना प्लांट नहीं है, पहले तो बिल्कुल छोटा सा था ये, जब मेथी और सोया के साग में दबासा हुआ था, फिर जब मैंने वो सारा सफाई की इसकी, अब ये देखो कितना अच्छा फैल गया है ना। तो दो तरह के होते हैं टमाटर के प्लांट, एक तो सीधे जाते हैं लंबे, है ना, एक इस तरह से बेल वाले होते हैं, तो ये बेल की तरह से ही फैलते रहते हैं, और खूब बढ़िया जगह भी मिल रही है इसको इस टब में, है ना। तो बस आज का मेरा टॉपिक यही था कि बस आप पुरानी चीजों को ना फेंकें,
और उनमें कुछ ना कुछ लगा दें, तो जब वो चीजें उगेंगी है ना, उनमें सब्जियां उगेंगी या फल फूल उगेंगे, जो भी आपने लगाने हो आपकी मनपसंद है, तो बहुत सुंदर लगेंगे। और जिसको सब्जियों का भी शौक ना हो तो इस टब को अपना फूलों से भर दे, जैसे मैंने फूल लगा रखे हैं। तो बस इसी तरह से अपना फूल पौधे लगाओ, अपना एंजॉय करो लाइफ को। तो बस पुरानी चीजों को अब से ना फेंकना है ना, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, किसी ना किसी काम में जरूर लेना उसको, गार्डनिंग के। और जब दोस्तों उसमें ग्रीनरी होती है, चाहे फूल भी ना खिले उस छोटे से प्लांटर में, लेकिन अगर आपने कोई भी ऐसी चीज लगाई, जैसे बेबी सनरोज लगा दिए, जेड प्लांट लगा दिए है ना, मनी प्लांट लगा दिए, तो ये छोटे छोटे से कंटेनर में भी बड़े आराम से हो जाते हैं, तो देखने बहुत सुंदर लगते हैं फिर ये है ना, लगे हुए बीच हैंग कर करके टांग दो। और ये तो फूल आप देख ही रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं है ना, तो इस तरह के फूल भी आप लगा सकते हो। और पहले ये उधर धूप से की तरफ रखे हुए थे, अब थोड़ी सी जैसे धूप की रोशनी तेज हो गई है, मतलब तपिश जो है तेज हो गई है थोड़ी सी, फिर मैंने इनको साइड में रख दिया। और ये देखो कितने अच्छे चल रहे हैं भैया, कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। तो अभी सर्दियों के फूल खत्म होने वाले हैं, अगर ज्यादा दिन तक बचाना है तो बस इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में रख देना, तो और थोड़े दिन चल जाएंगे, फिर अपना बीज इकट्ठे कर लेना एंड में। अभी तो इनकी कटाई छटाई करते रहना ज्यादा फूल के लिए। और ये देखो गर्मियों की कैसी तैयारी हो गई है पौधों की, ये गर्मियों की बेल है बोगनविला की, और ये देखो कितने सुंदर मिक्स और मैच करके फूल लगे हैं इसमें। इसमें मैंने कई सारे कलर ऐड कर रखे हैं दोस्तों, कटिंग से ग्रो कर करके पहले अलग से, फिर इसमें कैरी भी लगा दिए थे। और ये देखो मल्टी कलर जब शेड बनी है इसकी, कितनी अच्छी लग रही है ना। तो आप भी इस तरह से ग्रिल वगैरह कवर कर सकते हो मल्टी कलर से, और बिल्कुल रंग बिरंगे फूलों को उगा सकते हो, और देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों। जब आप अपने गार्डन में आओगे, खुद भी देखोगे तो भी आप मजे करोगे, कोई और भी घर में आएगा या बाहर से भी देखेगा उसको भी अच्छा लगेगा देख के, है ना। ग्रीनरी, ग्रीनरी किसको बुरी लगती है दोस्तों, ग्रीनरी तो अपनी तरफ बल्कि अट्रैक्ट करती है। और ये देखो ये छोटे छोटे फूल है ना, नाव में बैठ के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये, है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, जैसे कहीं घूमने जा रही हूँ ये, है ना, सारे के सारे अपना नाव में बैठ गए हो कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। इसका नाम बोट लिली है, और ये बोट लिली के ही फूल है। अरे देखो मैंने ये अंदर रख रखे हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी, है ना। तो जिसको शौक होता है ना दोस्तों प्लांट का, वो कोई जगह नहीं छोड़ता रियली, है ना। जैसे मुझे शौक है, मैं कोई जगह नहीं छोड़ूंगी, मैं दीवार पे भी टंगा दूंगी, मैं नीचे जमीन में भी लगा लूंगी, है ना, अंदर भी देखूंगी मैं कौन कौन से प्लांट लगा सकती हूँ। तो ये सब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है ना। चाहे आप हैंगिंग बास्केट्स लगाओ अपने गार्डन में, इस तरह से प्यारे प्यारे फूल उगाओ, चाहे अपनी विंडोज में रखो अंदर, है ना, जो शेड वाले प्लांट है, जो कम सनलाइट वाले प्लांट है। और बिल्कुल इस तरह से स्टैंड बना बना के भी आप प्लांट लगा सकते हो, इस स्टैंड में भी दोस्तों बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं। मैंने इतनी सारी टोकरियां टांग रखी है इसमें, रख भी रखी है और टांग भी रखी है, तो जिसके पास जैसे कम स्पेस है तो वो इस तरह से भी कर सकता है ना, एक बड़ा सा स्टैंड बनवा के इस तरह का वो कॉर्नर में रख दे अपना, और इसपे देखो जितने मर्जी आप हैंग कर लो, है ना, हुक लगवा दो और फिर इस पे ये इस तरह की टोकरियां टांग दो, है ना, अलग अलग जगह पे भी नहीं टांगनी पड़ेंगी, एक ही जगह पे कितने सारी टोकरियां टंग जाएंगी इस पे, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो कोको कोयर की हो, चाहे जैसे मर्जी हो किसी भी उसकी फैब्रिक की हो। आजकल तो बहुत वैरायटी आ गई है बास्केट में भी टांगने वाली में, तो जरूरी नहीं आप घर के चारों तरफ हुक लगवाओ तब टांगो, तो इस तरह के आप स्टैंड बना बना के भी इतने सारे प्लांट एक साथ भी लगा सकते हो। कई बार काफी ऊंचे ऊंचे जैसे होते हैं ना लेंटर डले होते हैं, तो लगता है कि हम कैसे टांगे इस पे, तो इस तरह के स्टैंड बना के आप बिल्कुल इजीली अपना शौक पूरा कर सकते हो हैंगिंग प्लांटर का। तो ये बिना किसी हेल्प के अपना आराम से लगाओ, और देखो कितने अच्छे चल रहे हैं ना, कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं इसमें, है ना, देखने में भी कितना अच्छा लगता है इन चीजों को। जब भी मैं गार्डन में आती हूँ दोस्तों, इतना मेरा मन खुश हो जाता है ना, बिल्कुल एकदम रिलैक्स, इन फूलों को देख के, है ना, अपने आप ही अंदर से हंसी निकलती है ना, कि कितने खुश है ये, है ना, हमें भी इसी तरह खुश रहना चाहिए। और बिल्कुल दोस्तों ये डिप्रेशन को भी कम करते हैं, आपकी नेगेटिविटी को भी कम करते हैं घर की, और बिल्कुल आपको एक बहुत हेल्दी लाइफ जीना सिखाते हैं।
चाहे आपके इंडोर प्लांट रखे हो चाहे आउटडोर रखे हो, है ना, रखोगे तो उनका काम भी करना पड़ेगा, है ना। काम करोगे तो फिर नेगेटिविटी का तो कोई मतलब ही नहीं है आपके आसपास आ जाए। जब एक आदमी काम में बिजी है, अपने शौक पूरे कर रहा है और मजे से काम कर रहा है, तो मतलब ही नहीं है कोई कोई गलत सलत बात उसके दिमाग में आए, फिर वो अपने काम में ही मस्त रहता है ना। तो जैसा कि मेरा रहता है, मैं अपना ही बता रही हूँ दोस्तों, मुझे नहीं पता, जिसको जिस काम में मजा है, किसी को पेंटिंग में बड़ा मजा आता है, किसी को कुछ क्रिएट करने में बड़ा मजा आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। वैसे मैं सारे काम करती हूँ, मैं पेंट जब मेरा मन करे पेंटिंग भी कर देती हूँ, जब मेरा मन करे मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काम कर लेती हूँ, जब मेरा मन करे, मेरे अपने मन के ऊपर है, जिस चीज का मेरा मन करता है मैं वो कर देती हूँ बस। लाइफ ऐसी ही है दोस्तों, एंजॉय करने की, है ना, किसी बात का प्रेशर मत लिया करो, बिल्कुल लाइटली रहा करो, ज्यादा किसी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपना मजे से जियो, जो आपका दिल करे वो करो। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, है ना। बस वीडियो को खत्म करते हैं, कहते कहते होंगे आप भी, है ना, इतना लंबा वीडियो है ना, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। चलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।